ब्रिटेन की सत्ता अपने हाथों में लेने वाले भारतीय मूल के ऋषि सुनक इस वक्त लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। ब्रिटेन में उनको मिली भारी जीत का जश्न भारत में भी देखा जा रहा है। भारतीयों ने भी दिवाली पर मिले इस तोहफे की खुशी जाहिर की और डबल सेलिब्रेशन किया। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक को बधाई दी और ट्वीट करते हुए लिखा, ऋषि सुनक को हार्दिक बधाई। चूंकि आप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, मैं वैश्विक मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम करने और रोडमैप 2030 को लागू करने के लिए उत्सुक हूं। ब्रिटिश भारतीयों के जीवन सेतु को दिवाली की विशेष शुभकामनाएं। हमने ऐतिहासिक संबंधों को आधुनिक साझेदारी में बदला है। पीएम मोदी के इस बधाई संदेश के बीच बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि बहुत जल्द पीएम और ब्रिटेन के पीएम ऋषि के बीच मुलाकात हो सकती है। सूत्रों की माने तो दोनों नेताओं की मुलाकात इंडोनेशिया में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 15-16 नवंबर को हो सकती है, यानी कि अगले महीने बाली में ही मुलाकात मुमकिन हो सकती है। हालांकि मोदी और सुनक की द्विपक्षीय मुलाकात को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया, लेकिन दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं का एक साथ होना ये दर्शाता है कि दोनों की मुलाकात हो सकती है। इस मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। इसमें भारत और ब्रिटेन के बीच चल रही व्यापार समझौते की कवायद हो सकती है। खबर तो ये भी है कि इस समझौते पर साइन करने के लिए पीएम मोदी लंदन भी जा सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है चीन का मुद्दा भी इस बैठक में उठे। हालांकि बैठक के मुद्दे यही होंगे, इसको दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद पूरी है। बहरहाल आपको बता दें, ऋषि सुनक के पीएम बनने के बाद से ही भारत में भी खुशी की लहर है। भारत सरकार को भी उम्मीद है कि अब ब्रिटेन से भारत को काफी फायदा हो सकता है। खैर, ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में भारत और ब्रिटेन एक दूसरे को किस तरह से फायदा पहुंचाते हैं। फिलहाल चलिए, जाते जाते आपको ऋषि सुनक के बयान के साथ छोड़े जा रहे हैं। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। After the billions of pounds it cost us to combat COVID, after all the dislocation that caused, in the midst of a terrible war that must be seen successfully to its conclusions, I fully appreciate how hard things are. And I understand too that I have work to do to restore trust after all that has happened. All I can say is that I am not daunted. I know the high office I have accepted, and I hope to live up to its demands. But when the opportunity to serve comes along, you cannot question the moment, only your willingness. So I stand here before you, ready to lead our country into the future, to put your needs above politics, to reach out and build a government that represents the very best traditions of my party. Together, we can achieve incredible things. We will create a future worthy of the sacrifices so many have made, and fill tomorrow and every day thereafter with hope. Thank you.